हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू कविता इज हेयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने का प्रयास करें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 से रिलेटेड बिग एंड लेटेस्ट अपडेट्स को एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 संपन्न कराए जाने के संबंध में, तो इसके रिगार्डिंग जो क्या प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो एज यू कैन सी दैट फर्स्ट वन इज परीक्षा की तिथि 29 जुलाई 2020, परिणाम की घोषणा 28 अगस्त 2020, काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि 14 सितंबर 2020, काउंसलिंग समाप्त होने की तिथि 17 अक्टूबर 2020, सत्र प्रारंभ करने की तिथि 19 अक्टूबर 2020, सीधे प्रवेश की प्रक्रिया के समापन की तिथि 26 अक्टूबर 2020। चलिए अब लेटेस्ट न्यूज को भी क्लिक करते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू की, 7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी। शासन ने 29 जुलाई को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को हरी झंडी दे दी है। 28 अगस्त को परीक्षा परिणाम घोषित होंगे और 14 सितंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, जो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ। शासनादेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्रों में और यथासंभव जिला मुख्यालय के निकट ही बनाए जाए। शासन ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षित चार दीवारी और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे में वॉइस रिकॉर्डर व डीवीआर के साथ राउटर डिवाइस होना अनिवार्य है। शासन ने कोविड-19 को देखते हुए परीक्षा केंद्रों का सैनिटाइजेशन कराने को भी कहा है। नेक्स्ट, परीक्षा संचालन के लिए कमेटी। प्रत्येक जिले में परीक्षा संचालन व पर्यवेक्षण के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है। कमेटी में डीएम द्वारा नामित अधिकारी के अलावा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक अधिकारी होगा। निजी विद्यालय नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा 2020 के संबंध में शासनादेश जारी करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय से 7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। शासनादेश में नकल पर सख्ती से रोक की बात कही गई है। इसके लिए जिला प्रशासन सहयोग करेंगे। परीक्षा केंद्र भी केवल शासकीय महाविद्यालय और विद्यालयों में ही बनाया जाएगा। किसी भी दशा में निजी विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है बीएड प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में, वो ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ। एंड लास्ट न्यूज, लास्ट बट नॉट लिस्ट, 50 जिलों में होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। उधर लखनऊ विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के मुताबिक बीएड प्रवेश परीक्षा अब प्रदेश के 50 जिलों में होगी। पहले 73 जिलों में होनी थी। 5 जुलाई को केंद्रों की अंतिम सूची जारी होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को अपने नज़दीकी जनपद के 3 केंद्र चुनने का विकल्प दिया था। 1,10,000 अभ्यर्थियों ने विकल्प चुने। सभी केंद्रों की समीक्षा करने के बाद जिलों की संख्या कम की गई है। ऐसे जनपद जहां 3 से ज़्यादा केंद्र नहीं बन पा रहे थे, उन्हें सूची से हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई तक प्रवेश पत्र भी जारी हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। लेकिन आज विदा लेने से पहले एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि हमने इन बातों का यहाँ पे अवलोकन किया, और जैसा कि हमें ज्ञात है कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक 2 की दिशा निर्देश में 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में आगामी स्थितियों में बीएड प्रवेश परीक्षा संभावित हो पाएगी कि नहीं, ये देखना तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक ओके बाय, टेक केयर।